गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं हटाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत से खुद अलहदा हो जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख्यालात को नापसंद करती है, जिसका इलेक्शन में नतीजा देख लिया। आर्मी एक्ट पर वोट कड़वा घूट था, पार्लिमानी निज़ाम में वोट फर्द वाहिद का नहीं होता। परवेज़ रशीद को फैसला मानना चाहिए था, उन्हें इख्तलाफ था तो इस्तीफा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता, मसला कश्मीर पर हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम करार दे दी। बिलावल ने कहा इमरान खान कुलभूषण को रिलीफ देने की कोशिश में है, तारीख में इतनी करप्शन कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हो रही है। पाँच अगस्त का भारतीय इकदाम कश्मीरियों को कभी कबूल नहीं होगा, मोदी सरकार कश्मीरियों के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मुईद यूसुफ के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल चिरीकोट सेक्टर का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा मोदी सरकार हमेशा नाकामी का मुँह देखेगी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण केस में ऑर्डिनेंस जारी करने के हुकूमती मौक़िफ़ की तायद कर दी। करार दिया कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए बज़ाहिर यह कानून साजी ज़रूरी थी। हुकूमती दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुकूम, हुकूमत को कुलभूषण और भारत से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए दोबारा राब्ते की हिदायत।